दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती। और फिल्म में नजर आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भर्गव बिष्ट सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का। और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन, जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी, जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है, वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियालिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में। एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज landscape or poor people that he meets takes him through an emotional journey or alter karte hain uske perceptions forever. Be it a teacher who supports orphan kids and a disillusioned ex-militant, ek prostitute hai who crave for love or his own companion Shibu. They all aid in his journey to self-discovery. काफी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में।
बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नजर आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो मैं डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नजर आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का, और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी, और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड जीत कोयल पेयर की। तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वही 4th थी विद SVF एंड 3rd विद देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पॉन्स की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 stars। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रोबली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा, और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज, एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाइएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म, ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक्ड इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोस जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ आमनोस मोरे मानुष ले चक्का। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के, टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का, एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वहीं श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समिध ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समिध ऋषि के काफ़ी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोल ना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था
उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती। और फिल्म में नज़र आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भर्गव बिष्ट सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का। और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की। एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज। लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स
हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर. बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू. दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में. बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटरबाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नज़र आए थे फिल्म में. बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की. तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वही 4th थी विद SVF एंड थर्ड विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का. काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में. तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में. फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स. तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी 5. मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है. तो वहीं फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से. एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म. ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक्ड इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस. तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम. बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ अमनोश जोश ले चक्का. तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था. तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ आमनुष मोरे मानुष ले चक्का एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के. टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का. एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स. तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 February 2011 में 4:30 PM ऑन स्टार जलसा. दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है कंट्रीब्यूशन देखा गया है. तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से. पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफ और अदर देन वर बाय जीत गांगुली.
बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोल ना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है, इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती। और फिल्म में नजर आए थे जीत देव कोयल मलिक भरकर बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गम्यम का। और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वही बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की। एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारिटन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द हॉस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि
नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद्यार्थ शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में। एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलीज लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वहीं 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी 5 out of 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वहीं फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोस जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ आमनुष मोरे मानुष ले चक्का। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल इंशुइंग फिल्म प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इट्स प्रोड्यूसर्स।
में श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है, तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती और फिल्म में नज़र आए थे जीत देव कोयल मलिक भरका बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफ स्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड, एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारिटन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को, हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को
एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो व्हाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर, बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट, तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में। एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड अ डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रे फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू, दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलीज लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वही डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वहीं 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही यजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वहीं फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म, ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक्ड इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम।
बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ, आमनोश, जोश, ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ, आमनुष, मोरे मानुष, ले चक्कर। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे, बोलना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म द्वीप पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती और फिल्म में नजर आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भरकर बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लैविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को, हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है
दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप. एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है. दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास. एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ. जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी. तो भाई वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम. इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है. नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट. तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में. होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर. इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विदाउट शिबू की तरफ. दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में. एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर. बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड अ डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में. बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वही डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नजर आए थे फिल्म में. बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की. तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ. तो वही 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड लिए चक्का. काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में. तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में. फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स. तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5. मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है. तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड
बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ, आमनोश, जोश, ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ, आमनुष, मोरे मानुष, ले चक्का। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था, और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफ और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे, बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म द्वी पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नजर आए थे जीत, देव, कोयल मलिक, भरकर, बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वही बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज्ड टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद फीमेल काइंड।
एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है. तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज. राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे. नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारिटन. मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम. बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को. हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप. एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है. दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास. एंड अ प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ. जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी. तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम. इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है. नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट. तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में. होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर. इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ. दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में. एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर. बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में. बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय. देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था. कोयल मलिक एज नंदनी. बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में. मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर. खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा. सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलीज लीडर. राजा दत्त एज अ नक्सली. तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नज़र आए थे फिल्म में. बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की. तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ. तो वहीं 4th थी विद SVF एंड 3rd विद देव आफ्टर चैलेंज एंड लिए चक्का. काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में. तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में. फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी
4 out of 5 stars। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी, उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था, रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा, और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी, आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज। एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी, एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ, आमनोस, जोश, ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ, आमनुष, मोरे मानुष, ले चक्का। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो मैं श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था, और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी, और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे, बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म द्वी पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, देव, कोयल मलिक, भरकर, बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं,
क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफ स्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टू वर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारिटन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज। लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू, दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्ता एज अ नक्सलीज लीडर, राजा दत्ता एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का, और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी, और 10th फिल्म थी देव के लिए
एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वहीं फोर्थ थी विद SVF एंड थर्ड विद देव आफ्टर चैलेंज एंड लिए चक्का। काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की, जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी, उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 stars। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी, उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था, रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी, आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक्ड इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोश जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ आमनुष मोरे मानुष ले चक्कर। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वही श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 February 2011 में 4:30 PM ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 crores का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 crores विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती और फिल्म में नजर आए थे जीत
देव, कोयल मलिक, भरकर बिष्ट सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का। और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की। एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लैविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है, वेरी काइंड टू वर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज़ अ गुड समारितन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल्ड ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज। लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉरएवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड अ डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट, एक प्रोस्टिट्यूट है वो क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू, दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी,
बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वही डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नजर आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का, और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी, और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वही 4th थी विद SVF एंड थर्ड विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा, और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज, एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाइएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म, ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोश जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशन में रहे थे ऑटोग्राफ आमनुष मोरे मानुष ले चक्कर, एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का, एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल इंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था, और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 February 2011 में 4:30 PM ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफ़ी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और द्वि पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और द्वि पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट
वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती। और फिल्म में नज़र आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भर्गव बिष्ट सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गमयम का। और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन, जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली। बेटा है मल्टी मिलेनियर का, जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी, जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है, वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वही वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज। Landscape or poor people that he meets takes him through an emotional journey or alter करते हैं उसके perceptions forever. Be it a teacher who supports orphan kids and a
डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है, वो क्रे फॉर लव और इज ओन कंपेनियन शिबू, दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटरबाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलीज लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का, और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी, और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वहीं 4th थी विद SVF एंड 3rd विद देव आफ्टर चैलेंज एंड लिए चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा, और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। And the film also had the highest ever opening week collection for a Bengali film. Gross raha tha almost 29 millions ka apne pehle hafte mein, aur while the producers ranked in almost 20 millions. To wahi film jo thi huge budget ke saath release hui thi aur saath hi super hit status raha tha for any other film at that time. बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ अमनोज जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ अमनोज मोरे मानुष ले चक्का। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के, टेलीविज़न पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का, एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल इंश्योइंग फिल्म्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वहीं श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले 2 सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था।
ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोल ना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो सबित ऋषि का देखा गया है, इट्स ओनली प्यार प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नजर आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भरका बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का, तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की। एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारिटन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका
चोरी हो जाता है विद्यार्थ शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बीट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटरबाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो मैं डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वही 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सेंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी 5 out of 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। And the film also had the highest ever opening week collection for a Bengali film. Gross raha tha almost 29 millions ka apne pehle hafte mein. Aur while the producers ranked in almost 20 millions. To wahi film jo thi huge budget ke saath release hui thi. Aur saath hi super hit status raha tha for any other film at that time. बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ अमनोश जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ अमनोश मोरे मानुष ले चक्का एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविज़न पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स तो वहीं श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में
4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी, और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोल ना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म दुई पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नज़र आए थे जीत देव, कोयल मलिक, भरका बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज्ड टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड, एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के, एंड इज अ गुड समारितन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को, हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को, एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर
दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट, तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विदाउट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में। एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रे फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वही डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नज़र आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ, तो वही 4th थी विद SVF एंड थर्ड विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी 5 out of 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोश जोश ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ आमनोश मोरे मानुष
ले चक्का एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविज़न पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स, तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था। और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है, तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समिध ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समिध ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समिध मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समिध मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समिध ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म द्वी पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नज़र आए थे जीत देव कोयल मलिक भरका बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की, एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज्ड टू लाविश लाइफस्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड, एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टूवर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन, मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को, हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम
फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास. एंड अ प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ. जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी. तो व्हाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी, राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर, बट शी डज नॉट लिसन टू हिम. इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है. नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट. तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में. होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर. इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विदाउट शिबू की तरफ. दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में. एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर. बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू, दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में. बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलिटीज लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वही डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नज़र आए थे फिल्म में. बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की. तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ. तो वही 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का. काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में. तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में. फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स. तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी 5 out of 5. मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है. तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से. एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म. ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में
और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंग इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस, तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ, आमनोस, जोश, ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ, आमनुष, मोरे मानुष, ले चक्कर। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो मैं श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोल ना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे, बोलना और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म द्वी पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती और फिल्म में नजर आए थे जीत, देव, कोयल मलिक, भरकर बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत। दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली, बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय। पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में, और जो कि उसके लिए सेटअप थी इस जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लाविश लाइफ स्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इनवाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टू वर्ड्स है पुअर पीपल के,
एंड इज अ गुड समारिटन. मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दम अ सकर टू देम. बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को. हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप. एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है. दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास. एंड अ प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ. जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है, मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी. तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम. इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है. नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट. तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में. होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर. इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ. दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है, बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है, जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में. एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज. Landscape or poor people that he meets takes him through an emotional journey or alter karte hain uske perceptions forever. Be it a teacher who supports orphan kids and a disillusioned ex-militant, a prostitute who craves for love or his own companion Shibu. They all aid in his journey to self-discovery. Kafi jo hai टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में. बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सलीज लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल्स फादर नजर आए थे फिल्म में. बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की. तो वहीं राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ. तो वहीं 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड लिए चक्का. काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में. तो वहीं बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट ऑल्सो सैंट सेजेरा टर्मी एंड फिजानो में. फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 स्टार्स. तो वही अजनैनी चक्रवर्ती जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5. मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है. तो वहीं फिल्म का जो सेटअप रहा था रिलीज हुई थी
in an unprecedented 209 theaters mein across West Bengal on Thursday during Saptami of the Durga Puja aur 5 weeks tak ran hui thi in the city after which it had to make space for another big release and box office pe highest grosser rahi hai 2010 ki according to a study जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से एंड द फिल्म आल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक्ड इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ आमनोश जोश ले चक्का तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ आमनोश मोरे मानुष ले चक्का एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के टेलीविज़न पर भी प्रीमियर हुई थी तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इट्स प्रोड्यूसर्स तो वहीं श्री वेंकटेश फिल्म प्राइवेट लिमिटेड था और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 फरवरी 2011 में 4:30 बजे ऑन स्टार जलसा दोस्तों फिल्म जो है आज इफ हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है कंट्रीब्यूशन देखा गया है तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफी और अदर देन वर बाय जीत गांगुली बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने बोलना आर और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में और ओ यारा वे बोलना और दुई पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 करोड़ विद अ गुड नंबर दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म द्वीप पृथ्वी की जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती और फिल्म में नजर आए थे जीत देव कोयल मलिक भरकर बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ जो कि थे देव और जीत दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है राहुल रॉय की एंड एज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स और फैमिली बेटा है मल्टी मिलेनियर का जो कि है अभिराज रॉय पैदा और बड़ा हुआ था काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में और जो कि उसके लिए सेटअप थी
इज जस्ट लाइक अ गेम और अ कस्टमाइज टू लावश लाइफ स्टाइल। पोर्ट्रे करा था टू बी अ हैप्पी गो लकी कैरेक्टर और काफ़ी पॉपुलर विद अ फीमेल काइंड। एंड ही ऑल्सो कम्स अक्रॉस नंदनी जो कि एक यंग चार्मिंग डॉक्टर है। तो वहीं राहुल चैलेंज करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही वुड मेक हर फॉल इन लव विद इन फ्यू डेज। राहुल इन्वाइट करता है नंदनी को कॉफ़ी के लिए आफ्टर अ डांस प्रोग्राम और प्रपोज करता है उसे। नंदनी जो कि एक ऑर्फन है वेरी काइंड टू वर्ड्स है पुअर पीपल के एंड इज अ गुड समारितन। मिंगल करती है विद पुअर पीपल एंड प्रोवाइड दैम अ सकर टू देम। बट बीइंग अ रिच बॉय राहुल हेट करता है उन लोगों को। हालांकि नंदनी जो है एक फ्री स्पिरिटेड नेचर है दैट टेक्स हिम वेरी नियर टू हर एंड डेवलप करती है एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। एट द सेम टाइम नंदनी कीप्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। दो शी लाइक्स हिम बट शी कैन कांट लव हिम फॉर हिज इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीपल एंड जो हरकतें वो करता है उसके आसपास। एंड अ प्रिविलेज अपब्रिंगिंग मेक्स हिम मायोपिक टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे ही टाइम बीतता है एक्सप्रेस करती है मतलब चाहती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। बट शी लर्न्स दैट राहुल ने चैलेंज करा था अपने दोस्तों को एंड डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो वे वाइल ड्रॉपिंग हर एट द होस्टल ऑन हिज कार आफ्टर अ पार्टी राहुल ट्राई करता है टू कन्विंस हर दैट ही इज इन रियली लव विद हर बट शी डज नॉट लिसन टू हिम। इसी प्रोसेस के दौरान राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे विमेन मर जाती है और जो बच्चा है वो ऑर्फन हो जाता है। नंदनी सरवाइव करती है एक्सीडेंट। तो वही राहुल वेकअप करता है इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में। होश आने के बाद राहुल देखता है कि नंदनी उसके आसपास नहीं है और डिसाइड करता है कि वो नंदनी को ढूंढने जाएगा बाइक पर। इसी प्रोसेस में मोटर बाइक जो है उसका चोरी हो जाता है विद दैट शिबू की तरफ। दो शिबू जो कि एक व्हीकल थीफ है बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान है जर्नी लेके जाती है उसे ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में। एज ही इज एक्सपोज टू द हार्ड रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ और येट इट्स सिंपल जॉयज लैंडस्केप और पुअर पीपल दैट ही मीट्स टेक्स हिम थ्रू एन इमोशनल जर्नी और ऑल्टर करते हैं उसके परसेप्शंस फॉर एवर। बी इट अ टीचर हु सपोर्ट्स ऑफन किड्स एंड डिसइल्यूजन्ड एक्स मिलिटेंट एक प्रोस्टिट्यूट है क्रेव फॉर लव और हिज ओन कंपेनियन शिबू दे ऑल एड इन हिज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। काफ़ी जो है टचिंग स्टोरी रही है फिल्म की और अवार्ड विनिंग स्टोरी रही है कि किस तरीके से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का चेंज हो जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी लाइफ में। बात की जाए कास्टिंग की तो जीत नज़र आए थे एज राहुल रॉय, देव देखे गए एज शिबू जो कि मोटर बाइक थीफ था, कोयल मलिक एज नंदनी, बरखा सेनगुप्ता मंदाकिनी के रोल में, मनोज मित्रा एज अ स्कूल टीचर, खरज मुखर्जी एज गोपालर बाबा, सुप्रियो दत्त एज अ नक्सली लीडर, राजा दत्त एज अ नक्सली, तो वे डॉक्टर बी डी मुखर्जी एज अ राहुल फादर नजर आए थे फिल्म में। बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो 42nd वेंचर रहा था ये लीडिंग बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का और 5th फिल्म थी जो कि राज चक्रवर्ती ने डायरेक्ट करी थी और 10th फिल्म थी देव के लिए एंड द जीत कोयल पेयर की। तो वही राज की ये पहली फिल्म थी जीत और कोयल के साथ। तो वही 4th थी विद SVF एंड 3rd विद द देव आफ्टर चैलेंज एंड ले चक्का। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो डायरेक्टर है उनका इस इंडस्ट्री में। तो वही बात की जाए फिल्म की शूटिंग की जो कि रही थी इंडिया इटली में एट
ऑल्सो सैंट सेजेरा, टर्मी एंड फिजानो में। फिल्म के रिस्पांस की बात की जाए तो रोशनी मुखर्जी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से थी, उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 4 out of 5 stars। तो वही अजनैनी चक्रवर्ती, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से थी, उन्होंने 3.5 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो जितने भी ये रेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो वही फिल्म का जो सेटअप रहा था, रिलीज हुई थी इन एन अनप्रेसिडेंट 209 थिएटर्स में अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे ड्यूरिंग सप्तमी ऑफ द दुर्गा पूजा, और 5 weeks तक रन हुई थी इन द सिटी, आफ्टर विच इट हैड टू मेक स्पेस फॉर अनदर बिग रिलीज। एंड बॉक्स ऑफिस पे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है 2010 की, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि कंडक्ट करी गई थी बाय फिक्की और डेलोटे की तरफ से। एंड द फिल्म ऑल्सो हैड द हाईएस्ट एवर ओपनिंग वीक कलेक्शन फॉर अ बंगाली फिल्म। ग्रॉस रहा था ऑलमोस्ट 29 मिलियंस का अपने पहले हफ्ते में, और वाइल द प्रोड्यूसर्स रैंक इन ऑलमोस्ट 20 मिलियंस। तो वही फिल्म जो थी ह्यूज बजट के साथ रिलीज हुई थी, और साथ ही सुपरहिट स्टेटस रहा था फॉर एनी अदर फिल्म एट दैट टाइम। बात की जाए अवार्ड्स की तो बेस्ट सुपरहिट फिल्म रही थी, एंड द अदर नॉमिनेशंस वर ऑटोग्राफ, आमनोश, जोश, ले चक्का। तो वही साथ ही बेस्ट सुपरहिट म्यूजिक के लिए भी रहा था, तो वही नॉमिनेशंस में रहे थे ऑटोग्राफ, आमनुष, मोरे मानुष, ले चक्कर। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी और जो है अवार्ड्स रहे हैं फिल्म के। टेलीविजन पर भी प्रीमियर हुई थी, तो वहीं द सैटेलाइट राइट्स रहे थे द्वीप पृथ्वी के, जो कि परचेज करे थे स्टार जलसा ने, जिसमें कि लीडिंग बंगाली एंटरटेनमेंट चैनल था वेस्ट बंगाल का। एक कॉम्बो पैकेज था ऑफ ऑल एंशुइंग फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। तो वह श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड था, और फिल्म जो है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पर गई थी ऑन 13 February 2011 में 4:30 PM ऑन स्टार जलसा। दोस्तों फिल्म जो है आज हमने जाना कि काफ़ी अच्छा रिलीज रहा है, कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जो कि कंपोज करा गया था बाय जीत गांगुली और समित ऋषि की तरफ से। पहले दो सॉन्ग्स जो कि रहे थे समित ऋषि के काफ़ी, और अदर देन वर बाय जीत गांगुली। बात की जाए गानों की तो इट्स ओनली प्यार जो कि समित मुखर्जी का था, और प्यारे लाल भी समित मुखर्जी की तरफ से था। ओ यारा वे दिया था प्रसीन ने, यानी कि प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था वो भी प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से ही लिरिक्स लिखे गए थे। ओवर टू विच द म्यूजिक जो था वो समित ऋषि का देखा गया है इट्स ओनली प्यार और प्यारे लाल में, और ओ यारा वे, बोलना आर और द्वी पृथ्वी का जो टाइटल ट्रैक था उसमें म्यूजिक था जीत गांगुली का। और फिल्म का जो ओवरऑल देखा गया है कि बजट वो था 3.5 crores का, एंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस करा था 6.5 crores विद अ गुड नंबर। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म द्वी पृथ्वी की, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बायराज चक्रवर्ती, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, देव, कोयल मलिक, भरकर बिश सेनगुप्ता लीड रोल्स में। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी रही है 2010 की। और साथ ही फिल्म जो है रीमेक थी तेलुगु फिल्म गामयम का, और फिल्म जो है दो बड़े स्टार्स लेकर आई थी बंगाली सिनेमा में इस मूवी के साथ, जो कि थे देव और जीत।
दोनों का ये पहली बार था ऑन द सेल्यूलॉइड। तो वहीं बात की जाए आखिर फिल्म की क्या स्टोरी लाइन थी, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या फिल्म ऑडियंस ने पसंद करी है या नहीं करी, क्या ग्रॉस कलेक्शन रहा फिल्म का। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन जो कि रिवॉल्व अराउंड